छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लैंपसों का पुनर्गठन किया जा रहा है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि सहकारिता को और अधिक मजबूत करने, बड़े लैंपसों को पुनर्गठित कर छोटे लैंपस बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन की पहल पर दरभा जनपद के चिंगपाल, जमावाड़ा, पुष्पाल, बाबू सेमरा व पल्ली लैंपस किसानों को लोकार्पित किया गया। रेखचंद जैन ने कहा, सहकारिता के मूल उद्देश्य को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सौगात दी। रेखचंद जैन ने लैंपस अधिकारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र देकर जनता के साथ किसानों की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून 2020 के माध्यम से किसानों के हक का हनन किया जा रहा है, जिसके कारण किसान आहत है। वहीं बघेल सरकार ने अपनी घोषणा अनुसार कृषि ऋण माफ कर दिया। किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। नवम्बर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस के अवसर पर 1500 करोड़ रुपए डाले। हमारी सरकार के द्वारा 4.5 लाख बंडल बारदाना मंगा गया धान खरीदी के लिए। सिर्फ 10% बोर बारदाना दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ऐसा काम कर रहे हैं, किसान के हित में काम कर रहे हैं, 2500 में धान खरीदी कर रहे हैं। इसके लिए 1815 में हम लोग खरीदे रहा, लेकिन 685 रुपया और जो 2500 में जुड़ता है तुम्हारा खाता में, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत हम पैसा को भेज दिए तुम्हारा खाता में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।